Hey guys, this is Yash Parab and welcome to my YouTube channel. आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मनाली और मैं अभी हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. हाँ जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही मेरा डोमेस्टिक फ्लाइट है. सो अभी हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमारा एक हाफ एन आवर में डिपार्चर प्रोसेस रेडी होगा विल गो. सो दिस वॉज अ वेरी सडन और स्पॉन्टेनियस ट्रिप थी ये. सो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ ये ट्रिप में, मेरे साथ होने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट. हमारी फ्लाइट का टाइमिंग है 3:45 और अभी बजे है 2:45. सो एक घंटा है हमारे पास रफली अराउंड. सो अभी वही एक घंटे में क्या करना है, कुछ खाना है तो वही सर्च करें क्या बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे. थोड़े रेट्स ज़रूर एक्सपेंसिव है बट इतने भी नहीं है. सो वी आर जस्ट चेकिंग. ये ऐसे होता है, कितना भी आप जल्दी आ जाओ आपको बोर्डिंग के लिए हमेशा लेट ही होता है. और अभी वही कर रहे हैं हम. फिलहाल लेट हो गया, हम मिकडी से कुछ तो पिकअप कर रहे थे तो लेट हो गया और नाम का अनाउंसमेंट हुआ हमारे. सो भाग रहे हैं हम अभी. हमारा खाना और हमारे मसाले और हमने लाया है लेस, वो भी 30 रुपीज़ का. और फ्लाइट में यही 300 रुपये का मिल रहा है. दिल्ली पहुंच गए हैं. सो गाइज, अभी हम लोग कश्मीरी गेट आ गए हैं. मेट्रो से आए हम और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं ऊपर. ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी वाली मतलब मेट्रो लाइंस है. अगर आप डायरेक्टली दिल्ली एयरपोर्ट से अगर कश्मीरी गेट आना चाहते हो, कश्मीरी गेट से हमारी बस है जो मनाली हमें लेके जाने वाली है. सो यस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर बस अड्डा. ये हमारी गाड़ी और हम रुके हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है. वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है बट मनाली का रोड, हम अभी मंडी के आगे है और ये ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है जैसे आप देख सकते हो. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग हैं मंडी में और फिलहाल नज़ारे कुछ ऐसे हैं. हम अभी रुके हैं, हमारी बस है और ये पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम लगा है. हम अभी यहाँ पे रुके हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल है और फिलहाल तो रोड ब्लॉक हो चुका है. सो आई गेस 2-3 घंटे जाने वाले यहाँ से.
गाइस इसी के साथ हम बहुत ही हमारी अच्छी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं मनाली और इसे आप देख सकते हो हसीन वादिया हमारा वेट कर रही है। सो अभी फटाफट हम हमारे हॉस्टल जा रहे हैं, यहाँ से रिक्शा भी करेंगे और डायरेक्टली आपको हॉस्टल में मिलता है। सो यस देखो क्या खेल रहे, खेलने तो कुछ आता नहीं है दोनों को भी। सो गाइज ये है हमारा हॉस्टल, इसका नाम है वूपर्स हॉस्टल और ये हम उसके सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। वहाँ पे हमारी डॉर्मेट्री है और यहाँ पे पूरे एमिनिटीज़ दे के रखे हैं, सीटिंग एरिया है, उसके बाजू में पूल है और बाकी सारे टीटी है और बहुत सारी चीज़ है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे छोटा सा एरिया है और ये इनका रिसेप्शन काउंटर है और बहुत ही अच्छी और प्लेजेंट जगह है। और जब भी नॉर्मली बारिश नहीं होती है जो भी होता है यहाँ पे बॉनफायर करने की भी फैसिलिटी दे रखी है। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक प्लेस है जो आप रेंट आउट कर सकते हो। गाना फिर से ठीक से क्या तो मैं अभी हूँ हमारे हॉस्टल के अंदर और मैं आपको हमारा रूम टूर देता हूँ एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये। सो बेसिकली ये डॉर्मेट्रीज है और यहाँ पे दो वॉशरूम्स है, यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी दी है जहाँ से ये ऐसा व्यू है और हमारे दो बेड्स यहाँ पे, हमारा सामान है और जब हम बाहर जाएंगे तो व्यू हमारे हॉस्टल से कुछ ऐसा है। फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर वाटरफॉल भी एक है और थोड़ा ही बाजू में अगर देखोगे तो आपको बर्फ़ दिखेगी और ये फ्रेश स्नो है जो आज सुबह गिरी है इस माउंटेन पर। सो गाइज हम पहुंच गए हमारे हॉस्टल और अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि बहुत थके हुए हैं हम। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड है और आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है टू यश प्रभु व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। We'll be right back.